Hey guys, welcome back to another lecture of C programming. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम और सिंपल सी प्रोग्रामिंग. तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इज एक जो प्रोग्राम लिखता है आपको, तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या क्या होना चाहिए, किस किस वे में वो प्रोग्राम चलेगा. एंड फर्स्ट थिंग इज सिंपल सी प्रोग्रामिंग. पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आपके प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या मेथड्स फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके, तो बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी प्रोग्राम यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स. ओके, तो इसके बाद ये क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम को सक्सेसफुली लिख के और उसको रन कैसे करें. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Second is converting a C program into machine language. Third step is write and test the program. Fourth के बारे में बाद में बात करते हैं. ओके, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने बात किया है कि एक जो प्रोग्राम रहता है वो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उनका एक सेट रहता है कि हाँ आप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो तो आपका प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहता है. उसमें रहता है कि पहले आपको ये लिखना है, बाद में फिर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, बाद में समथिंग एंड समथिंग. अभी थोड़ी देर के बाद वो सारे स्टेप्स हम देखेंगे कैसे कैसे फॉलो करने. ओके, सेकेंड थिंग, आप जो सी प्रोग्राम लिखोगे, आप जो प्रोग्रामिंग लिखोगे उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ताकि मशीन प्रॉपरली उसको समझ सके. ओके, थर्ड, राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम. अब प्रोग्राम को आपने लिख लिया है, बट क्या आप जैसे सोचे हो प्रोग्राम वैसा काम कर रहा है, वैसा रन कर रहा है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को. अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो. देयर आर फोर स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम. फर्स्ट इज राइटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम. सेकेंड, कंपाइल द प्रोग्राम. थर्ड इज लिंक इन द प्रोग्राम. And fourth is executing the program. Okay, तो आपको एक प्रोग्राम को क्रिएट करके और उसको रन सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको चार स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं.
जिसमें कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ तो मैंडेटरी स्टेप्स है कि हाँ आपको ये फॉलो ही फॉलो करने। थर्ड वन इज इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो, आप इस प्रोग्राम को कहां पे लिख रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट इज राइटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। एज आई सेड कि थर्ड वाला वही डिपेंड करता है आप एडिट कहां पे कर रहे हो, आपका आप प्रोग्राम लिख कहां पे हो। अगर आप एक प्रॉपर स्पेशल टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो, यानी कि समथिंग लाइक टर्बो सी यूज कर रहे हो, देव सी प्लस प्लस एंड ऑल दैट, तो ये सब है, ये सब सॉफ्टवेयर है जो कि सब सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप ये सब यूज कर रहे हो तो आपके लिए आगे चल के आपका फायदा होगा, जो कि फोर्थ सेकेंड स्टेप में होगा, एंड दैट इज कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइल द प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है कि मशीन को जो कि हम सीपीयू है उसके अंदर प्रोसेसर है उसको हम लोग बताते हैं, तो उसको ये लैंग्वेज नहीं समझता जो हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, उसको समझता है सिर्फ जीरो एंड वन। तो अब उसको जीरो और वन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल की वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा टू मशीन लैंग्वेज। ओके, नाउ लिंकिंग द प्रोग्राम। अगर लिंकिंग द प्रोग्राम, अब जैसे कि मैंने बोला, अगर ये स्टेप तभी काम में आएगा अगर आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो। स्पेशल टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले एक्चुअली स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम में एक हेडर फाइल डालना पड़ता है, जिसको लिखते हुए इस तरह है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ओके, तो ऐसे हेडर फाइल्स होते हैं जिनको प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी होता है, यही होता है लिंकिंग द प्रोग्राम। और ये होता कुछ नहीं, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर मैं बोलूंगा कि लाइब्रेरीज होते हैं जिसमें आपके प्रोग्राम के फंक्शन उसके अंदर स्टोर होते हैं। अगर आप लोग इसको यूज नहीं करोगे तो आपके फंक्शंस जो आप लोग प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, ये सब आपका काम नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ मैंडेटरी, इसको यूज करना मैंडेटरी है, बट अगेन आई सेड ये स्टार्टिंग में यूज हो जाता है। फोर्थ इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो गाइस, अब यहां पे हमारा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। अब ये तभी रन हो जाएगा और तभी प्रोसेस करेगा अगर हमारा ये मशीन लैंग्वेज और हमारा ये लाइब्रेरी फंक्शन वही लिंकिंग वाले, ठीक है, ये हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फंक्शन और ये दोनों मिलके इसको एक प्रोग्राम को परफेक्ट बनाते हैं रन होने के लिए। ओके, सो दिस इज इट। अब हम बात करते हैं कि एक सी प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसा होता है, उसको किस तरह से लिखना है। अभी हमने बताया कि अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो एक जैसे कि हम लोग पहले लेटर लिखते थे, तो लेटर लिखने से पहले हम लोग जानते थे उसका फॉर्मेट क्या क्या होता था। आई ना वो उतना सपोर्ट नहीं करता था, बट स्टिल एक फॉर्मेट हम लोग पढ़ते थे, देन फिर उसको फिर एग्जीक्यूट करते थे, फिर हम लोग प्रॉपर लेटर लिखते थे। उसी तरह हमें प्रोग्राम में वही करना है। पहले अभी हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे एंड कल के लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ उसको देखेंगे कि कैसे इसको वहां पे अप्लाई करना है और कैसे अच्छा प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल या फिर इसका ये जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, इसका काम क्या है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, सेकेंड इज लिंक सेक्शन। तो इसमें सारे लाइब्रेरी फंक्शन होंगे जो कि हेडर फाइल्स होंगे हमारे, जिसके अंदर हेडर फाइल्स के अंदर हमारे पूरे प्रोग्राम के जो भी फंक्शंस होंगे वो उसके अंदर स्टोर होंगे। हर लाइब्रेरी फंक्शन का, हर हेडर फाइल का एक अपना अलग अलग रोल है। जैसे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज और सबसे मोस्टली यूज वही यूज होता है
और वो कंपल्सरी यूज होता है जैसे जो यहाँ पे बताया था हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब क्या होता है डॉट एच इज एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल डॉट एच। अगर ये डॉट एच नहीं आया तो ये किसी काम का नहीं है। ओके एंड stdio इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके तो यहाँ पे फिर हम कर देंगे लिंक सेक्शन, यहाँ पे हमें ये सब इंक्लूड करना है और देन डेफिनेशन सेक्शन में यहाँ पे ग्लोबल कॉन्स्टेंट और कोई अगर फंक्शन, यहाँ पे अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो जैसे कि होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको कि नहीं मुझे एक फंक्शन है जो कि खुद से डिफाइन करके और फिर उसको पूरे प्रोग्राम में यूज करना है, तो आप उस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। फंक्शन डिक्लेरेशन और ग्लोबल कॉन्सेप्ट, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो, अब ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ग्लोबल का मतलब होता है फुल वर्ल्ड। ओके तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी चीज डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर मतलब आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे मेरे पास एक इंट है, इंट इज इंटीजर और ए है एक वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट ए है यहाँ पे, तो ए जो वेरिएबल है वो होल पूरे प्रोग्राम में उसका काम होगा, वो पूरे प्रोग्राम में रन करेगा। अभी ग्लोबल और ये ग्लोबल होता है और एक लोकल होता है इसी तरह, तो अब ग्लोबल और लोकल के बारे में अभी डीप में नहीं जाएंगे, वो आफ्टर 2-3 लेक्चर के बाद वो है ही है डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल। ओके तो अभी इसको हटाते हैं, बस इतना है कि यहाँ पे जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, यहाँ पे जो भी चीज हम डिक्लेयर करते हैं वो पूरे प्रोग्राम के थ्रू रहता है। नाउ नेक्स्ट इज मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो, कंपाइल करते हो, जब उसको रन करते हो, तो जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करते वक्त जो कंपाइलर होता है वो सबसे पहला चीज जो ढूंढता है वो होता है मेन सेक्शन, क्योंकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो सारे मेन सेक्शन में ही होता है। ओके तो मेन सेक्शन के बाद ये इंपॉर्टेंट है, एक ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। आपका जो भी डिक्लेरेशन सेक्शन हो या एग्जीक्यूटिवल पार्ट हो वो सबके सब इन्हीं दोनों के अंदर होने चाहिए, इन्हीं दोनों ब्रैकेट के अंदर। तो पहला होता है डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन क्या है, आप अगर सपोज जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन सेक्शन है वो है लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन, यानी कि आप जो यहाँ पर डिक्लेयर करोगे ना वो बस इसी पार्ट के अंदर रहेगा, ये जैसे खत्म हो जाएगा ये इसके अंदर के डिक्लेरेशन वाले पार्ट बाहर काम नहीं करेंगे। ओके तो ये डिक्लेरेशन सेक्शन, और यहाँ पे आप चाहिए तो इनिशियलाइज भी कर सकते हो, लाइक कि मैंने कर दिया इंट ए, एक वेरिएबल है मेरा। ओके अब साथ में साथ में मैंने ए का वैल्यू भी डाल दिया, ए इज इक्वल्स टू 32 और ये क्लोज। दिस इज यूज टू टर्मिनेट अ कोड लाइन, कि हाँ इसके बाद ये लाइन खत्म हो गई, अगर आप ये नहीं डालोगे तो ये प्रोग्राम यहीं पे आके एरर बता देगा। ओके देन एग्जीक्यूटिवल पार्ट इज कि अब इतना होने के बाद यहाँ पे आता है प्रिंट एफ और स्कैनफ, इनपुट और आउटपुट। ओके तो यही पार्ट रहता है जो कि बहुत मेन होता है हमारे कंपाइलर के लिए या फिर हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, यहीं से इनपुट लेता है प्रोग्राम और यहीं से हमें आउटपुट भी मिलता है। ओके तो कभी कभी होता है कि आपके प्रोग्राम को बस एक मेन सेक्शन से काम नहीं होता है, तो यू डू इज यू क्रिएट अनदर मेन सेक्शन, इसका रोल भी वही है जो इसका रोल है, ये भी प्रोग्राम का एक मेन बॉडी है। एंड ये भी एक मेन बॉडी है। अगेन एंड इसके बाद डायरेक्ट प्रोग्राम एंड हो जाता है, टर्मिनेट, खत्म। ओके तो ये है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो
हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ गया होगा और बहुतों को नहीं समझा होगा, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके लिए नॉट टू वरी, क्योंकि कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिखेंगे और इसको हम समझेंगे कि ओके इसको क्या, इसका कहाँ पे क्या यूज है, इसको क्यों लगाया जाता है, एकदम डिटेल में ब्रीफली देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड हिट लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।